यह सच है कि जानवर इंसान की मदद करते हैं। प्राचीन समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम जानवर की मदद लेते थे गुड्स और रॉ मटेरियल ट्रांसफर करने। प्लांट्स भी बहुत काम आते हैं इंसान को, पर जानवर शायद प्लांट से भी ज़्यादा काम आते हैं। ये हमें दवा, खाना, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा टॉप 10 यूजफुल एनिमल्स फॉर ह्यूमन। नंबर 10, गोट। गोट इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एनिमल है। बकरी का दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर किसी को गाय का दूध पचने में प्रॉब्लम होती हो तो बकरी का दूध अच्छा अल्टरनेटिव है। बकरी के दूध की एक और खासियत है, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कश्मीर गोट्स जाने जाते हैं उसके बेस्ट क्वालिटी फाइबर और टॉप क्वालिटी वूल के लिए। कहा जाता है कि इनकी स्किन को भी यूज़ करते हैं बूट्स और ग्लव्स बनाने के लिए। गोट्स को इंसान यूज़ करता है उसके मीट के लिए भी। नंबर 9, चिकन। चिकन इस लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चिकन एग्स जो इंसान के लिए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है और वो भी बहुत सस्ते में। छोटे गांव में चिकन के अंडे बहुत अहम खाना है क्योंकि ये सस्ता और प्रोटीन से भरा हुआ है। चिकन की एक और खासियत है कि वो कौन से भी कंडीशन में जी सकते हैं। इंसान इन्हें मीट के लिए भी यूज़ करता है, इसलिए चिकन इंसान के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल में आता है। नंबर 8, शीप। प्राचीन समय से शीप मोस्ट यूजफुल और वैल्यूएबल पालतू जानवर है। शीप मेनली यूज होता है उसके वूल के लिए। इनके वूल से कपड़े, ब्लैंकेट, कारपेट और भी बहुत कुछ बनता है। आज के सिंथेटिक वर्ल्ड में आप आश्चर्य हो जाएंगे कि वूल अभी भी कितना यूज होता है। इनफैक्ट वूल की डिमांड अभी और बढ़ गई है। इनके वूल अलग अलग कलर और टेक्सचर्स में हो सकते हैं। कुछ शीप उसके मिल्क के लिए भी यूज होते हैं। ग्रीस में फार्मर्स इनके मिल्क से चीज बनाते हैं, जैसे कि फेटा चीज जो शीप के मिल्क से बनता है, या कभी कभी शीप और गोट मिल्क मिक्स करके। नंबर 7, डोंकी। डोंकी यानी कि गधा मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड एनिमल में आता है। माना जाता है 5000 सालों से इंसान डोंकीज को पालता आ रहा है। डोंकी बहुत ही ज्यादा काम आता है, फिर भी बहुत जन सोचते हैं कि डोंकी आलसी या कुछ काम का नहीं। डोंकी बहुत ज़्यादा ताकतवर और हेल्पिंग नेचर का होता है। डोंकीज को इस्तेमाल करते हैं शीप और गोट के लाइफ स्टॉक को बचाने में, और वो भी वुल्फ और कयोटी से। ये बहुत ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। प्राचीन समय से हम इन्हें सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। डोंकीज को पहाड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। मतलब ये जानवर बहुत ज़्यादा काम का है और आलसी तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 6, हॉर्स। इंसान घोड़े को इस्तेमाल करता आ रहा है प्राचीन समय से, और वो भी अलग अलग काम के लिए। ज़्यादातर इंसान इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करता है। हॉर्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो वज़न खींचने और ज़्यादा वज़न वाला सामान ले जाने में काम आते हैं। ये फार्म वर्क, लेजर राइडिंग, चैम्पियनशिप रेसिंग और प्लाउइंग के लिए भी काम आते हैं। ये बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, इसलिए हॉर्स वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट एनिमल के लिस्ट में आता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा हॉर्स के बारे में, इनके पास सबसे बड़ी आँख होती है अगर कंपेयर किया जाए धरती के सभी मैमल से। नंबर 5, सिल्कवर्म। बॉम्बिक्स मोरी नाम का सिल्कवर्म बहुत ही कॉमन पालतू इंसेक्ट है। ये ज़्यादातर मेलबेरी ट्रीज के लीव्स खाते हैं, ज़्यादातर उसे सिल्क के लिए पालते हैं। इनका ककून सिल्क के धागे से बना होता है। एक ककून से 1000 से लेकर 3000 फीट लंबा धागा निकल सकता है। एक साल में सिल्क मैन्युफैक्चरर 70 मिलियन पाउंड्स रॉ सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ये धागे टूट ना जाए इसके लिए इंसान लार्वे को बाहर निकलने से पहले ही मार देता है, क्योंकि अगर वो बाहर निकल गया तो वो ककून टूट जाएगा और उसके साथ वो धागा भी। सिल्क का धागा कंटिन्यूस रहे और टूटे ना, इसके लिए वो ककून को उबालते हुए पानी में बॉईल करना पड़ता है ताकि वो लार्वे मर जाए और बाहर ना निकले। क्या आपको पता है कि एक टाई को बनाने के लिए 150 ककून्स लगते हैं? तो सिल्कवर्म बहुत यूजफुल तो है, पर उसके लिए हमें उसकी जान लेनी पड़ रही है। नंबर 4, कॉर्मोरेंट। आप सोच रहे होंगे कि कॉर्मोरेंट इंसान को कैसे काम आता है। ये बर्ड हम यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए।
जापान और चाइना में कॉर्मोरन फिशिंग प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इंसान छोटे वाइल्ड कॉर्मोरन को पकड़ के पालते हैं और उन्हें फिशिंग सिखाते हैं। कॉर्मोरन बंधा हुआ होता है ताकि वो भाग ना जाए, और उनके गले के वहाँ एक रिंग डाला हुआ होता है ताकि ये जो फिश पकड़े वो निगल ना जाए। आपको बताना चाहूँगा कि कॉर्मोरन पूरी की पूरी फिश निगल जाता है, तो अगर इसने बड़ी फिश पकड़ी और निगलने की कोशिश की तो ये निगल नहीं पाएगी। छोटी फिश निगल सकती है पर बड़ी फिश इसके गले में अटक जाएगी। फिशरमैन फिर वो उसके गले से निकाल के ले लेते हैं। अभी ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है कि हम एक बर्ड के गले में से खाना निकाल के ले लेते हैं। नंबर थ्री पे है काउ, जिसकी हम पूजा करते हैं और वो इंसान के लिए बहुत सी चीज़ में मदद आती है। काउ टॉप 3 यूजफुल एनिमल्स में आती है क्योंकि वो हमें सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन देती है, और वो है उसका दूध। गाय का दूध हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर है। गाय के दूध से कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि घी, क्रीम, बटर, और तो और गाँव में काउ डंग भी इस्तेमाल होता है घर के दीवारों में लगाने के लिए ताकि घर ठंडा रहे। काउ डंग खाद के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आप सोच सकते हैं कि काउ हमारे लिए कितनी यूजफुल है। नंबर 2, डॉग। मेंस बेस्ट फ्रेंड यानी कि डॉग लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉग इतने समझदार होते हैं कि ये इंसान के इशारे भी समझ जाते हैं। डॉग्स इंसान की कई तरह मदद करते हैं। डॉग्स को कई लोग पालते हैं क्योंकि वो घर की रखवाली कर सकता है, और तो और ये इंसान को डिप्रेशन से निकालने में मदद भी करता है। डॉग्स को प्रोफेशनली भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई ब्रीड को आर्मी में ट्रेन करते हैं ताकि वो बॉम्ब्स ढूंढ सके। नंबर 1, बीज। और मोस्ट यूजफुल एनिमल के लिस्ट में नंबर 1 पे आती है बीज। ऐसा माना जाता है कि बीज अचानक से अगर चले जाए तो हम भूखे मर सकते हैं। बीज प्लांट्स को पॉलिनेट करता है, जो हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने। बीज एक प्लांट से पॉलन दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है, इस वजह से लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कंटिन्यू रहती है। बीज मेजॉरिटी प्लांट्स जो हम खाते हैं उनका पॉलिनेशन करता है। एस्टिमेट किया गया है कि एक दिन में 1/3 खाना जो हम खाते हैं वो बीज के पॉलिनेशन पर डिपेंड करता है। बीज दिखने में क्यूट नहीं है और फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड क्रॉप्स के लिए। साइंटिस्ट ने देखा है कि इनकी तादाद कम होते जा रही है, जो बहुत ही चिंताजनक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करोगे।